नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौधरी। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि एक नया मॉडल जो है वो दिखा रहा है बारिश किस तरह से है। तो देखेंगे ये दिखाई पड़ रहा है, ये नया मॉडल्स है और ये मई में इसका नया अपडेट आया है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखेंगे ये, देखिए ये इनसेम्बल मीन्स एनोमली प्रिपरेशन जून जुलाई अगस्त इशूड मई 2024, यानी कि ये 2024 में इशू किया गया है। 2024 में इस मॉडल को जो है वो बताया गया है और ये बताया गया है कि कहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि इसमें अभी सितंबर का बरसात का जो है वो अनुमान नहीं है। और आपको हम पहले बताते चलें कि सितंबर का जो महीना होगा, यानी कि जो सितंबर का महीना होगा इसमें जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा होगी पूरे ओवरऑल इंडिया में। यहाँ पर सितंबर का महीना जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल जो देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये अलनीनो का जहाँ पर प्रभाव है, हालांकि देखिए यह रहा आपका अलनीनो का देखिए प्रभाव, तो ये देखेंगे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लानीना बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर बरसात में कमी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पर जब समुद्र का तापमान ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर बादल हवाएँ ऊपर नहीं उठती हैं, और जब हवाएँ ऊपर नहीं उठती हैं तो यहाँ पर बादल, यानी कि ये जो बादल यहाँ पर बनते हैं वो नहीं बनते, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो वो अपने भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन बाकी देखेंगे इन तटों पर देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बारिश हो सकती है, हालांकि ये हमारे तरफ नहीं है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। चलते इधर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर ये जो ये दुबई के क्षेत्रों के आसपास देखेंगे, जैसे ओमान यमन में देखेंगे तो यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है, और देखेंगे पाकिस्तान में भी देखेंगे सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। और वहीं देखेंगे आपका जो भूटान का क्षेत्र हो गया और ये बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया यहाँ पर, और म्यांमार का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है मॉनसून सीजन में। और ये देखिए ये आपका है आईओडी पॉजिटिव, ये है आपका आईओडी, यानी कि यहाँ पर देखिए आईओडी निगेटिव है, यहाँ पर आईओडी क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर बादल बन रहे हैं। जहाँ पर बादल बन रहे हैं यहाँ पर आईओडी पॉजिटिव है, जहाँ पर बादल नहीं बन रहे हैं यहाँ पर आईओडी निगेटिव है। तो यहाँ पर तापमान कम रहना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा रहना चाहिए, तो वही हो रहा है। अगर यहाँ पर ज़्यादा होता यहाँ पर कम होता तो आईओडी निगेटिव होता, जो हमारे भारत पे काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालता, काफ़ी ख़राब उसकी प्रभाव डालता। लेकिन इस बार क्या होना है कि लानीना प्लस आईओडी का एक कम्बिनेशन बनने वाला है, जिसकी वजह से देश में काफ़ी बढ़िया मानसूनी बारिश की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल बारिश जो है वो मानसून की काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगा, और इंटेंसिटी भी बारिश की काफ़ी तगड़ी इस बार होने वाली है। चलिए बात करते हैं कहाँ पर कैसा रहेगा पूरी तरह से मौसम। तो सर जूम करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा कोई साफ़ क्लियर नहीं है, क्योंकि ये अभी छोटा सा मैप बताया गया है तो उसमें कोई साफ़ क्लियर तो नहीं है, लेकिन ज़रूर से इसमें कुछ बताने का प्रयास करेंगे। श्रीलंका में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, लेकिन उसमें देखेंगे तो तमिलनाडु पुडुचेरी और चेन्नई के आसपास का जो क्षेत्र होगा यहाँ पर सामान्य से थोड़ा सा अधिक बारिश की उम्मीदें हैं, और यहाँ पर सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश देखने को कई इलाकों में मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं, इसकी उम्मीदें भी कुछ ज़्यादा हैं यहाँ। वहीं केरल में देखेंगे तो केरल के अंदरूनी इलाकों बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है कई इलाकों में, लेकिन केरल के जो एकदम तट इलाके हैं, जो अरब सागर से सटे इलाके हैं, यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात होना पूरी तरह से संभव है। इस मैप के अनुमान से अगर देखें तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात होना पूरी तरह से उम्मीदें हैं। और वहीं देखेंगे कर्नाटक के क्षेत्रों में, तो कर्नाटक में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात संभव हैं, यहाँ पर भी अंदरूनी इलाकों में नहीं है, हम बाहरी इलाकों की बात कर रहे हैं कर्नाटक के, यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात होंगे। और बाकी जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की पूरी तरह से संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, और तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर जो है तेलंगाना का क्षेत्र हो गया यहाँ पर, और रायलसीमा, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में जो है सामान्य से अच्छी ज़्यादा वर्षा होगी, और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल जो है वो देखने को मिलेगी। और वहीं देखेंगे आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के, तो आंध्र प्रदेश में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा बारिश की संभावना है, सामान्य से भी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को कई इलाकों में मिलेगी, तो यहाँ पर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तेलंगाना की बात जो देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई टेंशन की बात फिलहाल नहीं है। और वहीं देखेंगे तो यहाँ पर विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करेंगे तो विदर्भ में तो ज़्यादा वर्षा होगी, सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, लेकिन महाराष्ट्र के जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी, यानी कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, लेकिन सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है।
वहीं देखेंगे। बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो महाराष्ट्र का और कोंकण गोवा का जो क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर भी भाई साहब बहुत ज़बरदस्त वर्षा होगी। देखिए गुलाबी कलर का पैटर्न है, सॉरी ये देखिए कितना गाढ़ा रंग का पैटर्न है। यहाँ पर बाढ़ वाले हालात बन सकते हैं, कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना है और इंटेंसिटी भी बारिश की जो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है और मूसलाधार बारिश की उम्मीदें यहाँ पर कर सकते हैं। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की जो बारिश की संभावना है यहाँ पर जो है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिलेगी। गुजरात हो गया, सौराष्ट्र कच्छ का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल होगी और यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात होना संभव है। यहाँ पर भी काफ़ी मजबूत बारिश की संभावना है। वहीं देखेंगे राजस्थान के पश्चिमी घाटों की, तो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश तो होगी लेकिन सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। देखेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में तो रिस्की है और कुछ दक्षिणी और मध्य के इलाकों में ही रिस्की है। कुछ इलाकों में यहाँ पर सामान्य से थोड़ी सी कम वर्षा होगी, बाकी उड़ीसा छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। यानी कि पूरे देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना काफ़ी प्रबल है। बाकी उड़ीसा में देखेंगे तो यहाँ पर जो सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ी है। ये जम्मू कश्मीर के देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होगी, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होगी लेकिन जम्मू कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान में सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। चलते पूर्वोत्तराखंड की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश हो गया और यहाँ पर जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का, त्रिपुरा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश ये मॉडल डिनोट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, मूसलाधार बारिश की संभावना कई इलाकों में देखने कुछ समय मिलेगी, अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वहीं ऊपर पश्चिम बंगाल सिक्किम का क्षेत्र हो गया, असम मेघालय का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा बरसात होगी यानी कि बाढ़ वाली बारिश यहाँ पर भी देखने को कई इलाकों में मिल सकती है जिसकी काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावना है। वहीं देखेंगे बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल के, तो बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात बनना संभव है, यहाँ पर भी काफ़ी मजबूत बारिश की संभावना है, काफ़ी अच्छी खासी जो रेनफॉल है वो देखने को मिलेगा, अच्छी खासी बारिश होगी और सबसे ज़्यादा जो बारिश होगा वो होगा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के मध्य भागों में, यहाँ पर भी कोस्ट की तरह काफ़ी ज़बरदस्त भीषण बारिश होगी। इस मैप के अनुसार काफ़ी ताबड़तोड़ बारिश की संभावना है और वही नहीं मध्य पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी कई इलाकों में क्योंकि कई सालों के बाद यहाँ पर जो है डूबने वाला है, यानी कि यहाँ पर भी कई इलाकों में बहुत ज़बरदस्त इस मॉडल का संकेत के अनुसार बहुत ज़बरदस्त बारिश की उम्मीदें हैं और भीषण मूसलाधार बारिश से यहाँ पर लोगों को जनजीवन प्रभावित होने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो राजस्थान के जो बाकी इलाके यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर ये मैप सटीक बैठता है तो एक बार आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का भी यहाँ पर डूबना लगभग तय ही मानिए क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी भीषण बारिश की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। बाकी जो भी होगा हम लगातार आपको आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।